नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 27 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड इंटर के रिजल्ट में लड़कियों ने मारी बाजी। अगले एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा बिहार के 300 पंचायतों का अस्तित्व। बिहार में अब कम होंगे भूमि विवाद के मामले। बिहार बंद का दिखा मिला जुला असर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। बिहार बोर्ड इंटर के रिजल्ट में लड़कियों ने मारी बाजी। बिहार बोर्ड ने अपना रिकॉर्ड कायम करते हुए बीते दिन अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सभागार से नतीजों की घोषणा की। इस दौरान उनके साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद थे, जिसके तहत अब बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही इस बार का परीक्षा परिणाम लड़कियों के नाम रहा, जहां साइंस, कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम तीनों में लड़कियों ने बाजी मार ली है। में मधु भारती और कैलाश कुमार ने 463 अंकों के साथ संयुक्त रूप से टॉप किया है। कॉमर्स में सुनंदा कुमारी ने 471 अंकों के साथ और साइंस में सोनाली ने टॉप किया है। लखीसराय के श्रृंगी ऋषि में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर चानन और कजरा के पहाड़ी क्षेत्रों में बसा है श्रृंगी ऋषि धाम। इस जगह का नाम ऋषि श्रृंगी के नाम पर रखा गया। श्रृंगी ऋषि धाम में ऐसी मान्यता है कि राजा दशरथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि धाम पधारे थे। कहा यह भी जाता है कि बाबा श्रृंगी ऋषि के प्रताप से राजा दशरथ को भगवान राम सहित चारों पुत्रों की प्राप्ति हुई। उसके बाद राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को यहां मुंडन भी करवाया था। इस धाम में भगवान शिव एवं माता पार्वती की अद्भुत मूर्तियां विराजमान है। बिहार में अब कम होंगे भूमि विवाद के मामले। बिहार में जमीन विवाद अब कम होने वाले हैं। अगले महीने अप्रैल में अमीनों की तैनाती सभी अंचलों में की जाएगी, जिसके बाद लंबे समय से खाली पड़ी अमीनों की सीटों को भरने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसको लेकर हाल ही में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बहाल किए गए 487 अमीनों को अब अंचल में तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनके प्रशिक्षण का काम शुरू हो रहा है। खबरों की माने तो इन अमीनों के सैद्धांतिक पत्रों का प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है। अप्रैल के बाद सप्ताह में ये अंचलों में अपना योगदान देंगे। मीडिया में जारी खबरों के अनुसार बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने यह दावा किया है कि इन अमीनों की बहाली का असर भूमि विवादों की संख्या पर पड़ने वाला है, जिसके तहत बिहार में भूमि विवाद के कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहारवासी अब नेचर सफारी और रोपवे का उठा सकेंगे लुफ्त। बिहार अब पर्यटन के लिहाज से और ज्यादा विकसित हो गया है, क्योंकि बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत उन्होंने बिहार में नेचर सफारी और 8 सीटर रोपवे का उद्घाटन किया है। इस रोपवे में कुल 20 केबिन लगाए गए हैं। इनमें 18 केबिन पर्यटकों के लिए काफी सुलभ माने जा रहे हैं। एक घंटे में यह रोपवे 800 लोगों को सफर करवाएगा। इतना ही नहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेचर सफारी में बने ग्लास ब्रिज का भी मुआयना किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते साल 19 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार ने सफारी का अवलोकन किया था। रेलवे ने 18 जोड़ी ट्रेनों समेत 110 स्पेशल ट्रेनों का किया विस्तार। होली त्योहार को लेकर भारतीय रेलवे ने लोगों को कई स्पेशल ट्रेनों की सौगात दी है। वहीं अब यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कई ट्रेनों के परिचालन अवधि को 3 महीने तक बढ़ा दिया गया है। यानी ये स्पेशल ट्रेन जुलाई के पहले हफ्ते तक यात्रियों के लिए चलेंगी। इसके तहत पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र, दानापुर समेत पूर्व मध्य रेल के स्टेशनों से होकर चलने वाली 18 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की अवधि को बढ़ाया गया है। जिन ट्रेनों को परिचालन विस्तार मिला है उनमें पटना से हावड़ा, रांची, धनबाद, चंडीगढ़, आनंद विहार टर्मिनल, जम्मूतवी, बांद्रा टर्मिनस समेत अन्य शहरों को जाने वाली ट्रेनें हैं। इसके साथ ही पूर्व मध्य रेल जोन में कुल 55 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन अवधि को बढ़ाया गया है। सिमुलतला विद्यालय ने फिर बनाया रिकॉर्ड। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इन सब के बीच जमुई जिले का सिमुलतला आवासीय विद्यालय एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इस विद्यालय के कैलाश कुमार और मधु भारती संयुक्त रूप से टॉपर घोषित किए गए हैं। खबरों की माने तो इन दोनों ही परीक्षार्थियों ने 92.6% अंक लाकर पहला स्थान प्राप्त किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि पिछले कुछ सालों में सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छात्र 10वीं हो या फिर 12वीं, दोनों कक्षाओं की परीक्षा में बिहार में अव्वल आते रहे हैं। इस साल भी यह सिलसिला कायम रहा है। गृह विभाग ने दी फोर्स के अधिकार क्षेत्र की जानकारी। बिहार में विशेष सशस्त्र पुलिस कानून पर बवाल के बीच गृह विभाग ने इन विशेष सशस्त्र पुलिस फोर्स की सीमा और अधिकार क्षेत्र की जानकारी दी है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि राज्य सरकार जिन जगहों पर विशेष सशस्त्र पुलिस की नियुक्ति करेंगे, सिर्फ वहीं ही ये फोर्स वारंट के बिना गिरफ्तारी और तलाशी कर सकते हैं। दूसरे जगहों पर ये अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि महाबोधि मंदिर, दरभंगा एयरपोर्ट और आने वाले दिनों में मेट्रो और दूसरे जगहों पर भी लोगों की सुरक्षा को लेकर इन पुलिस फोर्स की नियुक्ति की जाएगी।
मुजफ्फरपुर में 100 बेड के कैंसर अस्पताल को मिली मंजूरी। परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से मुजफ्फरपुर में 100 बेड के कैंसर अस्पताल के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस बात की जानकारी राज्यसभा में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देते हुए बताया है कि इसके निर्माण पर 198 करोड़ 15 लाख की लागत आएगी। बिहार सरकार ने इस अस्पताल के लिए 2 साल पहले ही मुजफ्फरपुर स्थित श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज के परिसर में मुफ्त 15 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई थी, मगर पिछले साल वैश्विक महामारी के कारण इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका, मगर अब जल्द ही अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। राज्य में पुरानी गाड़ियों के चलने पर लग सकती है रोक। बिहार में अब 15 से 20 साल पुरानी कई गाड़ियां सड़कों पर नहीं दिखेंगी। केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई स्क्रैप पॉलिसी अब बिहार में भी लागू हो सकती है, जिसके बाद सूबे में करीब 1.5 लाख गाड़ियों को सड़क पर चलने के लिए अयोग्य माना जाएगा। नियमों के लागू हो जाने के बाद बिहार में 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहनों और 20 साल पुराने निजी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो परिवहन विभाग जल्द ही इस संबंध में निर्देश जारी कर सकता है। आपको बता दें कि इसके अंतर्गत व्यावसायिक वाहनों में ट्रक, बस, टैक्सी, ऑटो जैसे वाहन शामिल है। वहीं साल 2001 में खरीदी गई निजी गाड़ियों को भी इस कैटेगरी में लाया जाएगा। होली में बिहार लौटने वालों के लिए सहारा बन गई बसें। त्योहार के कारण ट्रेन में टिकट नहीं मिलने के कारण ही एक तरफ जहां लोगों को दिक्कतें आ रही थी, वहीं इस बीच इन यात्रियों के लिए बसें सहारा बन गई है। उत्तर बिहार के विभिन्न जिला मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जिले में करीब 100 बसों के लोग यात्रा करके पहुंच रहे। खासकर दिल्ली से आने वाले यात्रियों की संख्या ज्यादा है। इस दौरान केवल मुजफ्फरपुर जिले में ही दिल्ली से रोज 50 से ज्यादा बस आ रही है। करीब 7 से 8 यात्री बस से प्रतिदिन आ रहे हैं। वहीं अगर किराए की बात करें तो दिल्ली से आने वाली स्लीपर बस का किराया 200 से 3000 के बीच तक क्या है। इसके अलावा बड़ी संख्या में यात्री होने के कारण बसों में बेंच लगा करके भी बैठाया जा रहा है। 31 मार्च तक सूबे में बादल छाए रहने का अनुमान। मौसम विभाग के अपडेट के मुताबिक होली के दौरान आसमान बादलों से पटा पड़ा रह सकता है, मगर इस दौरान बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। बादल छाए रहने की स्थिति 31 मार्च तक बनी रह सकती है। आज यानी कि 27 मार्च के बाद से पुरवैया हवा चलने लगेगी। मौसम विभाग के विशेषज्ञों की माने तो अभी गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। पछुआ हवा चलने के कारण पारा में उछाल देखा जा रहा है। बीते दिन पटना, गया, पूर्णिया और वाल्मीकि नगर का उच्चतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। पछुआ से प्रदेश की हवा में आर्द्रता कम होने लगी है। वहीं 8 से 10 किलोमीटर की रफ्तार से हवा के चलने के कारण आसमान में धूलकण की मात्रा भी बढ़ गई है। यात्रियों की कोरोना जांच को लेकर बिहार सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। होली को लेकर बड़ी संख्या में बड़े राज्यों से यात्री बिहार की तरफ लौट रहे हैं। इस बीच बिहार में भी संक्रमण के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर सरकार जांच और एहतियात संबंधी जरूरी कदम उठा रही है। वहीं एहतियात के रूप में बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें सरकार ने अनुरोध किया है कि बिहार आने वाली ट्रेन जिस भी स्टेशन से खुलती है वहीं पर सभी यात्रियों को जांच करवाने की व्यवस्था की जाए। सरकार का मानना है कि ट्रेन जहां से खुलती है अधिकांश यात्री वहीं से चढ़ते हैं। ऐसे में शुरुआती स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करवाई जाए, इसके साथ ही संक्रमित या संदिग्ध को चिन्हित कर आइसोलेट किया जा सके। अगले एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा बिहार के 300 पंचायतों का अस्तित्व। बिहार की ग्राम पंचायतों का अस्तित्व एक हफ्ते के अंदर खत्म होने वाला है। इन पंचायतों को विघटित करने की कार्रवाई पंचायती राज विभाग की तरफ से शुरू कर दी गई है। अब इन ग्राम पंचायतों में मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों का निर्वाचन नहीं होगा। ग्राम पंचायतों के अस्तित्व समाप्त होते ही राज्य में नए नगर निकायों के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राज्य सरकार की तरफ से हाल ही में कुल 117 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत के रूप में गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ 32 नगर पंचायतों को उत्क्रमित कर नगर परिषद क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। बीते दिन ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। ट्रस्ट के नाम पर पैसा गबन करने वालों पर बीते दिन ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत ट्रस्ट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले पति पत्नी और बेटी की करोड़ों की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार ये दंपति मेडिकल कॉलेज की सदस्यता दिलवाने के नाम पर ये ठगी किया करते थे और बताया जाता है कि बुद्धिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार और सचिव सीता कुमारी पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। ट्रस्ट के जरिए ये लोगों को मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सदस्यता दिलवाए जाने का ख्वाब दिखाते थे और आजीवन सदस्य बनाने के नाम पर उनसे ठगी किया करते थे। इसके लिए दिए गए पैसे से इन्होंने पटना और सासाराम में कई संपत्तियां भी खरीद ली है। बिहार बंद का दिखा मिला जुला असर। बीते दिन महागठबंधन के द्वारा आहूत बिहार बंद का मिला जुला असर राज्य भर में देखने को मिला। आपको बता दें, यह बंदी पिछले दिनों बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बिल को लेकर विधानसभा में हो हंगामे और सदन में घुसकर पुलिसकर्मियों के विपक्षी विधायकों के साथ मारपीट की घटना को लेकर की गई, जिसके तहत सुबह के 4 बजे से ही बंद समर्थक नेताओं और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में चौक चौराहे पर और एनएच को जाम कर राजद कार्यकर्ताओं ने दुकानों को बंद करवाया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पटना, मुंगेर, खगड़िया और कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, बांका, मधेपुरा ने महागठबंधन के नेताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला।
अब देश के साथ साथ विदेश में भी लोग चखेंगे भागलपुर का शहद। बिहार के भागलपुर जिले के बिहपुर के शहद की मिठास अब देश के साथ साथ विदेशों में भी चखी जाएगी। इसको लेकर जिला नवप्रवर्तन योजना के अंतर्गत उद्योग विभाग की तरफ से जिले के बिहपुर प्रखंड में हनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाएगा। प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित किसान भवन में 7 दिन के अंदर हनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का काम शुरू किया जाएगा, जिसमें हनी के कच्चे माल को प्रोसेसिंग कर तैयार किया जाएगा। इतना ही नहीं, इसको लेकर विभाग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत ही विभाग की तरफ से हनी प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की स्वीकृति मिलने के बाद मशीन का ऑर्डर हरियाणा की कंपनी को दे दिया गया है। बिहार में 1 अप्रैल से भरना होगा बिजली का बढ़ा हुआ बिल। बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को करारा झटका लगा है। अगले महीने की 1 तारीख से बिजली की नई दर लागू हो जाएंगे। इस बाबत बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने यह फैसला जारी किया है, जिसके तहत ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिजली के दर में 0.63% की वृद्धि को अनुमोदित किया गया है, जिसके बाद आयोग की तरफ से जारी किए गए इस फैसले को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू रखने वाला है। इससे पहले बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1403.05 करोड़ का प्रस्ताव दिया था, जबकि आयोग ने 1130.68 करोड़ मंजूर किए थे। बिहार भाजपा के नेताओं को मिली बंगाल असम चुनाव में जिम्मेदारी। आगामी पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सरकार बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और इसके लिए इन दोनों राज्यों से सटे बिहार के भाजपा नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसको लेकर प्रचार प्रसार करने के साथ ही चुनावी कार्यों को सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए बिहार भाजपा इकाई से बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता दोनों राज्यों में भेजे गए हैं। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल के लिए 150 और असम के लिए 50 से ज्यादा कार्यकर्ता गए हुए हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में बिहार के कार्यकर्ताओं की खासतौर से तैनाती की गई है। बंद में शामिल होने से पहले तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने चाचा को दिया कंधा। 23 मार्च को बिहार विधानसभा में पुलिस और विधायकों के बीच हुए बवाल के बाद से सियासत गर्मा गई है। वहीं इसी मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार बंद का आह्वान बीते दिन किया था। हालांकि 26 तारीख का सवेरा देखने से पहले ही राजद परिवार के एक सदस्य ने दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके कारण ही बंद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके भाई की भागीदारी इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली। आलम यह रहा कि बंद का आह्वान करने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव अपने चाचा और लालू प्रसाद यादव के बड़े भाई महावीर राय के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे। इतना ही नहीं, दोनों भाइयों ने अपने चाचा को कंधा भी दिया, जिसके बाद ही दोनों भाई बंद में शामिल हुए। जदयू ने बंगाल चुनाव में मुख्यमंत्री के जाने की संभावनाओं को किया साफ। विधानसभा में हाल ही में हुए घटना को लेकर लगातार बिहार में सियासत गर्म नजर आ रही है। वहीं इन सभी मुद्दों को लेकर साथ ही बंगाल चुनाव में जदयू की भागीदारी को लेकर जदयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने खुलकर अपनी बात रखी है, जिसके तहत ही उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार में जाने की कोई तैयारी नहीं है। संगठन के नेता और बंगाल असम में जदयू की टीम अपने हिसाब से चुनाव प्रचार में लगी हुई है। बता दें कि बंगाल में जदयू ने 50 से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। भारत बंद का दिखा छिटपुट असर। कृषि कानून के खिलाफ बीते दिन किसानों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया था। हालांकि भारत बंद का असर कुछ एक राज्यों में ही ज्यादा देखने को मिला। पंजाब और हरियाणा के अलावा भारत बंद का मिलाजुला असर देश भर में देखने को मिला, जहां सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए बंद का आह्वान किया गया, जिसके बाद राजधानी दिल्ली के ग्रीन लाइन पर 4 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही ट्रेनों को रोका गया। आपको बता दें, भारत बंद का असर गाजीपुर बॉर्डर पर सबसे ज्यादा देखने को मिला। बिहार में मुजफ्फरपुर हाजीपुर हाईवे जाम किया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक किसानों के भारत बंद को देखते हुए NH-24 पर गाजीपुर बॉर्डर पर यातायात बंद कर दिया गया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। 1936 में बनवारी लाल जोशी भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो दिल्ली के उपराज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश मेघालय और उत्तराखंड के राज्यपाल रह चुके। उनका जन्म आज के दिन हुआ। 1923 में आज ही के दिन लीला दुबे, जो कि एक प्रसिद्ध मानव विज्ञानी और नारीवादी विद्वान थी, उनका भी जन्म हुआ। 2015 में टी सेलाओ उत्तर पूर्व भारत के मिजोरम राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आखिरी सांस ली। इसके साथ ही साल 2000 में भारतीय हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री प्रिया राजवंश ने दुनिया को अलविदा कहा था। द कपिल शर्मा शो बहुत ही जल्द करेगा वापसी। कपिल शर्मा शो के फैंस के लिए खुशखबरी। हाल ही में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार द कपिल शर्मा शो फिर से शुरू होने वाला है। कपिल शर्मा बीती फरवरी को पिता बने हैं। इसके बाद उन्होंने पेटर्निटी लीव ले ली थी और शो ऑफ एयर हो गया था। इस वजह से कपिल शर्मा के फैंस निराश थे। अब खबर यह आ रही है कि शो मई में फिर से शुरू होने वाला है। कपिल शर्मा ने इस बाबत पोस्ट किया है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, अब आपकी बारी है। उन्होंने एक पोस्ट रीट्वीट किया है, जिसमें लिखा गया है कि अगर आप एक राइटर और एक्टर हैं तो आपके लिए द कपिल शर्मा शो का हिस्सा बनने का मौका है।
गूगल मैसेजेस पर अब आप भी कर सकते हैं मैसेज को शेड्यूल। गूगल मैसेजेस यूजर के लिए अहम सूचना। ईमेल की तरह अब यूजर अपने गूगल मैसेज को आसानी से शेड्यूल कर सकते हैं। गूगल अपने मैसेजिंग ऐप गूगल मैसेजेस में इस सुविधा को देने जा रहा है। फीचर का नाम शेड्यूल सेंड होगा। इसके जरिए यूजर जो समय सेट करेंगे उस पर मैसेज खुद ब खुद चला जाएगा। शेड्यूल सेंड फीचर का इस्तेमाल करना बड़ा आसान है। आप अपना मैसेज टाइप कीजिए और सेंड बटन को थोड़ी देर दबाकर रखिए। अब आपसे टाइम सेट करने के लिए पूछा जाएगा, यानी वो समय जब मैसेज जाना चाहिए। समय के साथ आप तारीख भी सेट कर सकते हैं। इतना करने के बाद सेंड बटन दबा दें, इससे मैसेज शेड्यूल हो जाएगा। डीजीसीए ने जारी किया विमानों का समर शेड्यूल। 29 मार्च से शुरू होने वाले समर स्केड्यूल को जारी कर दिया गया है, जिसके तहत ही इस अवधि से शुरू होने वाले स्केड्यूल में एयरपोर्ट अथॉरिटी और डीजीसीए की तरफ से रोके गए विमानों को बाहर रखा गया है। हालांकि पहले यह उम्मीद जताई जा रही थी कि जारी होने वाले समर स्केड्यूल में 100% परिचालन शुरू करवाया जाएगा, लेकिन आखिरी मौके पर इस प्रस्ताव में बदलाव कर अब वर्तमान 80% कैंपिंग को आगे जारी रखने का निर्णय लिया गया है। बिहार में विंटर शेड्यूल के बजाय पिछले समर स्केड्यूल में प्रस्तावित विमानों की संख्या के आधार पर 80% की कैंपिंग तय होने के कारण विमानों की संख्या में कुछ वृद्धि होगी और से बढ़ाकर 50 होने की संभावना है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है उदय कुमार, श्वेता रॉय, प्रदीप, अभिषेक राज, पीएन यादव, रुपेश कुमार, संजीव कुमार, लवकुश कुमार, साहिल कुमार, अमर आजाद, रंजीत मेहता, जितेंद्र कुमार, रविंद्र पासवान, निशांत कुमार, अभिषेक यादव, आदर्श कुमार, दीपक कुमार, गौतम कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार बंद के दौरान आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।